warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wa salamu ala ibadihi allazina istafa amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu hakka tilawah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم मैं कहती नहीं कहलवाता है कोई मैं कहती नहीं कहलवाता है अल्लाह सुखन मेरे बस में कहाँ अल्लाह अल्लाह तो आज जो मेरे बयान का मौजू है वो है कुरान की इज्जत। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा कलाम है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैगाम हदायत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए इसे रहनुमाई के लिए भेजा है। जो इंसान इसे पढ़ता है इसकी तालीमात पे अमल करता है तो कुरान मजीद इसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे देता है। इसी तरह अगर आप गौर कीजिए कि अगर एक गत्ता घर में पड़ा था लोग उसको उठा के कभी वहाँ रख देते थे कभी यहाँ रख देते थे, इसको किसी ने कुरान मजीद की जिल्द बना दिया। अब जिल्द बना देने के बाद इस गत्ते की इज़्ज़त इतनी बढ़ गई कि उल्मा ने फरमाया जिस आदमी ने गुसल करना हो वो उस गत्ते को हाथ नहीं लगा सकता, हत्ता के बाद बेवजू आदमी भी इस गत्ते को हाथ नहीं लगा सकता। पूछा गया कि गत्ते को हाथ क्यों नहीं लगा सकते, लिखे हुए कागज़ तो अंदर हैं। तो उल्मा ने कहा चूँकि इस गत्ते को कुरान मजीद के साथ सी दिया गया है तो इसलिए अब इसकी निस्बत पक्की हो जाने की वजह से इस गत्ते की शान इतनी बढ़ गई है कि जिस तरह अंदर लिपटे हुए कागज़ों को हाथ नहीं लगा सकते इस तरह इस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकते। अगर बेजान गत्ता अपनी निस्बत कुरान के साथ मजबूत कर लेता है और इसकी शान इतनी बढ़ जाती है तो एक मुसलमान बंदा इसके साथ अपनी निस्बत को मजबूत करेगा तो अल्लाह के यहाँ इसका मुकाम कितना बढ़ जाएगा। इसी तरह हदीस पाक में आता है कि कुरान मजीद के साथ बरकत हासिल करो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। तो आज कुरान हमारे घरों में तो मौजूद हैं लेकिन हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो इससे बरकतें हासिल कर रहे हैं। हम इसकी बरकत से महरूम होते हैं, हम वो ताल्लुक़ ही पैदा नहीं कर पाते जिसकी वजह से इंसान को बरकतें मिलती हैं। अब उल्मा ने लिखा है कि चंद चीज़ें से इंसान का जी कभी नहीं भरता। अब पहली क्या चीज़ कि आसमान को देखने से वही आसमान है वही चांद है वही सितारे हैं लेकिन अल्लाह ने इसमें कुछ ऐसे जज्बात रख दिए हैं कि बंदे का जी आसमान के देखने से कभी भरता ही नहीं है। इसी तरह दूसरी चीज़ पानी देख लें तो 100 साल उम्र हो जाती है बंदे की, रोज़ पानी पीता है मगर पानी से कभी इसका जी नहीं भरता। हाँ इसका पेट भर जाएगा और वो कहेगा कि मैं आज नहीं पी सकता कल पी लूँगा आज मेरा पेट भर गया है, लेकिन अगले दिन फिर इसको प्यास लगेगी फिर पानी पिएगा। इसी तरह हम अगर दूध पिए कोई जूसेस पिए तो इंसान का दिल भर सकता है लेकिन पानी से कभी इसका दिल नहीं भर सकता। तो आपको दुनिया में कोई ऐसा इंसान मिलेगा ही नहीं जो कहेगा कि मैं पानी पी पी के तंग आ गया हूँ। अल्लाह ने इंसान के जिस्म में इसकी तलब ऐसी रख दी है कि हर इंसान कोई इंसान पानी के बगैर रह ही नहीं सकता। इसी तरह कुरान मजीद के बारे में भी बिल्कुल यही बात लिखी गई है, जिस तरह आसमान को देखने से दिल नहीं भरता पानी पीने से दिल नहीं भरता, इसी तरह बैतुल्ला शरीफ को देखने से मोमिन का दिल नहीं भरता। चुनाचा जिन लोगों को वहाँ हाजिरी की तौफीक नसीब होती है वो जितनी बार बैतुल्ला को देखते हैं उतनी बार देखने की लज़्ज़त जुदा होती है। तो जैसे आसमान देखने से दिल नहीं भरता पानी पीने से दिल नहीं भरता बैतुल्ला शरीफ को देखने से दिल नहीं भरता तो मोमिन का दिल इसी तरह कुरान मजीद को पढ़ने से नहीं भरता। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिस इंसान ने अपने दिल से जुल्मत को दूर कर लिया इसकी पहचान ये है कि इसका दिल कुरान मजीद पढ़ने से कभी भर ही नहीं सकता। हाँ दिल मैला हो तो फिर एक रकू पढ़ना भी मुश्किल होगा लेकिन ये ऐसा ही है जैसे कोई बंदा बीमार हो तो इसका रोटी खाने को दिल ही नहीं करता, सेहतमंद हो तो रोज़ रोटी खाने को दिल करेगा। इसी तरह अगर रूहानी बीमारियां ना हो दिल साफ हो पाकीज़ा हो तो उसकी पहचान ये है कि मोमिन का दिल कभी कुरान मजीद पढ़ने से भर ही नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक अजीब लज़्ज़त रख दी है, दुनिया में और कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको आप
आपका पढ़ने से दिल ही ना भरे। कोई किताब अच्छी लगी, इसको एक दफ़ा पढ़ लो, दो दफ़ा पढ़ लो, तीन दफ़ा पढ़ लो तो दिल भर जाता है, दोबारा पढ़ने का दिल नहीं करता। लेकिन ये कुरान एक कुरान मजीद का एज़ाज़ है कि जितना इसको पढ़ते जाओ इतना दिल में और पढ़ने की तलब बढ़ती चली जाती है। तो आज के बयान से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें कुरानों को घर में इस तरह पढ़े नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि हमें उसकी बरकत से महरूम नहीं रहना चाहिए, हमें उसकी बरकत हासिल करनी चाहिए। अगर बेजान गत्ता अपनी नस्बत कुरान के साथ मजबूत कर लेता है और इसकी शान इतनी बढ़ जाती है, तो एक मुसलमान बंदा इसके साथ अपनी नस्बत को मजबूत क्यों नहीं कर सकता। तो सोचिए कि अल्लाह के यहाँ इसका मकाम कितना बढ़ जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपना लगाव, अपना दिल जो है कुरान के साथ मजबूती से जोड़ लें, उसकी बरकत से महरूम ना रहें और उसकी बरकत को हासिल करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम आपको सबक का मौज वाक़ात भी सुनाएंगे कुरान के रिलेटेड। तो स्टे ट्यून्ड। तो जो अल्लाह ने मुझसे कहलवाया और आपने सुना, अल्लाह हमें उस पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आवर चैनल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को कुरान की अज़मत के बारे में नहीं पता और वो इसकी बरकत से महरूम है, ताकि वो इस पर अमल करना शुरू करें और कुरान से अपना दिली ताल्लुक़ बनाएं। तो अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा।